हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, आज है संडे, तो संडे के दिन थोड़ा लेट ही हो जाता है उठने में, फिर भी उठ गए थे टाइम से। उठ के झाड़ू पोछा निपटा के सब काम करके मैं यहाँ आ गई थी पूजा करने के लिए। और ये अभी हम पूजा कर रहे हैं, कान्हू को भोग लगा रहे हैं। हमारे घर में छोटे से लड्डू गोपाल आए हुए हैं, इनके आने से घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आई है। और ये जब से आए हैं ना, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मुझे खुद को पर्सनली बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मतलब लड्डू गोपाल मैंने पहले क्यों नहीं रखा, तो मुझे पहले कुछ आइडिया नहीं था। एकदम से इस बार गर्मियों की छुट्टी में हम वृंदावन गए, तो पता नहीं दिल को क्या होने लगा कि मैं एक छोटा सा लड्डू गोपाल लेके आई। तो इनको लेके आई तो इनको बहुत अच्छा लगता है इनका सेवा करने में। और इनका मैं अभी पूजा पाठ कर रही हूँ, आरती वगैरह कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से, ये बैठे हुए हैं। इनका जो फ्रॉक है ये मैं खुद ही बनाती हूँ, मार्केट से लेके आई थी, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। मतलब उसमें से पूरा ये चमचम चमचम करने वाला, और गर्मियों का सीज़न चल रहा है, बारिश भी है, तो फिर भी क्या, गर्मी तो थोड़ी बहुत लगी रही है। तो मैंने इनको कॉटन का खुद से घर में इनके कपड़े को डिज़ाइन किया है और खुद से बनाया है, तो मुझे ये ज़्यादा बेटर लगता है। और अच्छे कपड़े देख के मैं बनाती हूँ, तो मार्केट से ज़्यादा मुझे घर का बना कपड़ा अच्छा लगता है। तो आजकल जो भी मैं पहनाती हूँ तो घर का ही कपड़ा पहनाती हूँ उनको। तो अभी हम पूजा पाठ निपट गया है, तो अभी मैं आई हूँ, अब चाय पीऊँगी, क्योंकि आजकल लेट ही हो जाता है। सारा काम करने के बाद ही, पूजा वूजा करने के बाद ही मैं चाय पीती हूँ, क्योंकि वॉशरूम जाने के बाद मैं किचन में नहीं घुसती, सीधे बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती हूँ। तो यहाँ मैंने आलू छील के रखा है, अब सुबह नाश्ते की तैयारी करूँगी। तो यहाँ मैं भुजिया बना रही हूँ, और ये देखिए, ये मैदे की थोड़ा सा मोयम डाल के कचौड़ी तल लेती हूँ। तो ये कचौड़ी अभी तल के सबसे पहले मैं कान्हा को भोग लगाऊंगी। ऐसे मैंने कान्हा को भोग तो लगा दिया है, केले और मिश्री से भोग लगा दिया। सुबह सुबह फ्रूट या ड्राई फ्रूट से लगा देते हैं, क्योंकि इतना सुबह सुबह बन नहीं पाता है। और स्कूल बच्चे जाते हैं तो कैसे भी हाथ से बना लेते हैं, मतलब इतना नहीं होता कि ऐसे बनाओ वैसे बनाओ। बच्चों को तो टिफिन ऐसे ही बना के, भी नहाए भी कभी कभी बना के देना पड़ता है जल्दी में। तो और इनका भोग तो हम नहा के ही बनाते हैं ना गाइस। तो अभी ये मैं आलू की भुजिया बिना लहसुन प्याज के हल्दी और हरी मिर्ची पे बनाई हूँ, मेथी दाना का फ़ौरन देके। और ये मैं पूड़ी भी बना रही हूँ, तो ये पूड़ी और आलू की भुजिया, इनका भोग लगेगा। तो जब इनका भोग लग जाएगा तभी सब खाएंगे। तो ऐसे क्या होता है ना, कुछ जैसे दाल चावल सब्जी बनता है तो मैं सब्जी भोग नहीं लगाती, दाल चावल ही लगाती हूँ। बिना दाल को छौंक के ही भोग लगा देती हूँ, फिर मैं अपने लिए छौंकती हूँ, क्योंकि क्या है ना, लहसुन प्याज का मात्रा नहीं दे सकते, तो इनका खास ध्यान रखना है। तभी मैं बेटी को दे रही हूँ कि लो तुलसी पत्ता डाल के इसमें।